उत्तर प्रदेश का रायबरेली जनपद, जहां बीते 19 नवंबर को लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी से 65 लाख के सोने चांदी के जेवरातों से भरे बैग को लूट लिया, जिसके बाद शिकायत मिलने पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया, फिर एसओजी ज्वाइंट ऑपरेशन टीम ने पर्दाफाश कर दिया। दरअसल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से कुल 1100 ग्राम सोना, एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक तमंचा, दो खोखा और एक जिंदा कारतूस 315 बोर का बरामद किया है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी पम्मू सोनी लूटकांड के शिकार गोलू सोनी के मामा का लड़का है। उसने ही बाहर से बदमाशों को बुलाकर लूट कराई थी। वहाँ के लोकल व्यापारी हैं अनंत राम सोनी, वो जब अपनी दुकान से घर को जा रहे थे, जिसका डिस्टेंस मुश्किल से 70 मीटर्स था, मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने उनसे उनका सोने का थैला छीन करके भाग गए। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँच कर अपनी जांच पड़ताल शुरू की। FIR जब लिखी गई तो उसमें उन्होंने अपने जो लूटा गया माल था उसका विवरण दिया, जिसकी कुल वैल्यू तकरीबन 65 लाख रुपए की उन्होंने अनुमानित वैल्यू बताई। पुलिस ने कई टीमें बनाई इस घटना के अनावरण के लिए, और 4-5 टीमों ने मिल करके, और इसमें जो हमारे रेंज कार्यालय की IG साहब की टीम जो उसने भी अपना सहयोग किया, सब लोगों ने मिल करके और बहुत मेहनत से इस घटना का अनावरण किया है। और अनावरण के पश्चात अभी तक दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद ये समझ में आया है कि जो मेन अभियुक्त इसमें है, जिसने सूचना दी थी, वो वहीं का एक लोकल व्यापारी है जिसका नाम है पम्बू सोनी। सारी मुखबिरी और एक ही उसके द्वारा कराई गई थी। दूसरा अभियुक्त जो मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है, वो उसका नाम है इमरान, जो कानपुर का रहने वाला है, और बाकी के जो दो अभियुक्त हैं वो भी कानपुर के ही रहने वाले हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें निकल चुकी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। इस घटना के अनावरण में जो पुलिस ने अपनी मुखबिरी और तमाम जो बहुत एक्सटेंसिव काम किया है, उसके अलावा जो ऑपरेशन त्रिनेत्र जो हमारे DGP महोदय की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसके तहत सर्राफा और उसके आसपास 300 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए थे पिछले महीने भर के दौरान, उन कैमरों की मदद से भी इन अपराधियों को आइडेंटिफाई करने में और इनको पकड़ने में बहुत भारी सफलता प्राप्त हुई है। फिलहाल फायरिंग में अभियुक्त इमरान उर्फ बाबू के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल रायबरेली भेजा गया है। पुलिस टीम का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ है। वहीं हिस्ट्री शीटर के आपराधिक इतिहास में दर्जनों मुकदमा पंजीकृत है। पंजाब केसरी TV के लिए रायबरेली से शिव के सोनी की रिपोर्ट।